हेलो टेयर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक स्टार्टिंग में। टेयर्स हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं आज, टाटा स्टील BSL लिमिटेड है। देखिए शानदार तरीके से 98.70 रुपीज वाला जो टारगेट मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था वो आज हिट हो चुका है। शानदार तरीके से आज की क्लोजिंग भी 98.70 रुपीज ही थी, जो कि मैंने आपको चार दिन पहले वाली वीडियो में समझा रखा था कि आपको जो टारगेट है वो 98.70 रुपीज वाला लेके चलना है। पर अभी ये जो रुकाव है ये यहीं पे नहीं थमेगा, रैली कंटिन्यू रहेगी। क्वार्टर फोर के नतीजे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में, इस बार भी हम लोग उनको चेक कर लेंगे आपको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए जिन लोगों से मिस हो गया है। अभी कैसी कंडीशन चल रही है उसके बारे में अपडेट लेंगे। और मैंने फाइनली इसका एक जो है क्लियर, क्योंकि टाटा ग्रुप का पहले से ही अपने यूट्यूब पे ग्रुप है ही, जिसके अंदर मैंने सारी टाटा कंपनियां एक्सप्लेन कर रखी हैं, पर टाटा स्टील BSL हम लोगों ने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैंने उसका एक नया प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जब 55 रुपीज पे था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 70 वाला टारगेट टूट हुआ तब भी मैंने आपको बताया था, 49 रुपीज, 44 रुपीज, 38 रुपीज, मतलब हर टाइम पे हम लोग इस कंपनी के साथ बने रहे और कंडीशन बेहतरीन पे बेहतरीन होती गई और टारगेट हमारे जो थे सारे हिट होते गए। तो देखिए शेयर में कोई कमी नहीं है, अभी भी कंडीशन बहुत शानदार चल रही है, बहुत गजब ग्रोथ दिख रही है आप लोगों को। तो अभी कैसी कंडीशन चल रही है, कितने पे ट्रेड कर रही है, कहां तक के आप नेक्स्ट टारगेट होंगे, उन सभी पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मैं शेयर का जो भी अपडेट मुझे मिलता है मैं पोस्ट कर देता हूं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेड्स, जो टाटा स्टील BSL है वो करंटली 98.70 रुपीज पे आ चुकी है। आज बहुत शानदार ग्रोथ हुई है, 15% से भी अच्छी मतलब मूवमेंट शेयर ने किया, उससे भी ऊपर गया था, पर क्लोजिंग जो है 98.70 रुपीज पे। ओवरऑल बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया शेयर ने, कितना गजब तरीके से, मैंने जैसे ही आपको 70 वाला टारगेट एक्सप्लेन किया उसके बाद तो शेयर ने ऐसे 20 रुपए पता नहीं लगा और झट से 98.70 रुपीज वाला टारगेट तक आ चुका है शेयर। तो अब जो मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे वो तो अभी बहुत टाइम है, अगस्त 18 को, तो क्योंकि Q4 के नंबर इसके ऑलरेडी आ चुके हैं जो मार्च तक के नंबर होते हैं। तो अब अभी हम लोग, मैंने आपको उसको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। EPS भी ठीक है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, यहाँ पे डिविडेंड मेंशन नहीं है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी 40.10 चल रहा है, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत शेयर में फिलहाल में नजर नहीं आ रहा है, कंडीशन भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी सो कर ही रहा है। चलिए फाइनेंशियली थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग चार्ट चेक लेते हैं। तो बुक वैल्यू 198 रुपीज, बुक वैल्यू से अभी भी हाफ आपको कह लीजिए डायरेक्ट 100 रुपए नीचे मिल जाता है एक तरीके से, अगर विदाउट हम लोग एकदम अच्छे से माइनस करें और डायरेक्ट मैं आपको बोलूं तो ओवरऑल 100 मूवमेंट आपको यहां से ऑलरेडी वापस से मिल सकती है। तो कहां तक की ग्रोथ दिख सकती है अभी वो अभी हम चार्ट देख के बताते हैं आपको। पर देखिए बुक वैल्यू जो है 192 रुपीज है, तो अभी भी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाता है जो लॉन्ग के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा शेयर है ही, ऑल टाइम हाई इसका जो है 561 रुपीज है। ट्रेड तो एक बहुत अच्छी कंडीशन है, उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग बेहतरीन है, ROE भी ठीक ठाक है, 12.8% रहा है पहले का तो बेहतर है, फेस वैल्यू 2 है, तो वन टाइम और फ्यूचर में अगर स्प्लिट होना चाहे तो कंपनी वाले कर सकते हैं, बाकी रिटर्न ऑन एसेट भी 7.53% रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार ग्रोथ है, सेल ग्रोथ भी बेहतर है, Q1Q प्रॉफिट मतलब दिसंबर से मार्च में जो ग्रोथ है 110% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट चल रही है ट्रेडर्स, बहुत अच्छा कह लीजिए एक तरीके से A+ परफॉर्म कर रहा है ये शेयर इस टाइम पे, और रिटर्न भी उसी प्रकार से आप लोगों को दे रहा है जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। आपको मैं एक चार्ट का थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये ग्रोथ आपको दिख रही है यहां से, देखिए ये चीज, ये देखिए कितनी शानदार ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो करेक्शन भी आएगी, पर देखिए करेक्शन हाफ तक ही आएगी क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे शेयर गया है तो एकदम ऐसे आ जाए, पर हाँ ये है कि ऐसे गया है थोड़ी करेक्शन इतनी जो है आने की संभावना पूरी है, उसके बाद धीरे धीरे शेयर ग्रोथ करेगा क्योंकि शेयर अचानक से हाइप मिल गई है काफी भयंकर नंबर आने की वजह से, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इसमें दबा के आ रही है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस इसमें जाहिर से बनेंगे। तो आप लोगों को भी कर लेना है जो बहुत ज्यादा नीचे से ऑलरेडी, ज्यादा ग्रीडी बनने की जरूरत नहीं है,
उस तरीके से आपको अपना रख के चलना है, या तो फिर आप हमेशा इसका चेक करते रहिए, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होती है वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। बाकी मैं अभी आपको अपडेट कर देता हूं कि आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं और आगे कहां तक परफॉर्म ये कर सकता है, कहां तक के आपको टारगेट आने वाले टाइम पे दे सकता है। आने वाले टाइम पे तो अभी भी इसके साथ पूरा पॉजिटिव ही है कि आगे और अच्छे टारगेट देगा, जैसे कि डेप्थ पहले से रिड्यूस हुए हैं, बुक वैल्यू से हाफ टाइम अभी भी नीचे ही है शेयर का प्राइस, तो आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाता है। फिर गुड प्रॉफिट ग्रोथ रही है 22.25% की, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन शेयर का कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है शेयर के लिए। चलिए मैं आपको एक बार क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूं इस बार के, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी बहुत शानदार है ही, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे हैं ही, तो क्वार्टरली नंबर चेक करने के बाद हम डायरेक्ट चार्ट पे बात करते हैं। तो देखिए ट्रेड्स, मार्च में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले से बेहतरीन है, 2569 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट हुआ है ऑपरेटिंग। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पहले से 1000 ज्यादा नंबर है, 1000 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट है। तो एक तरीके से इस सेम चीज जो है एग्जैक्टली 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कंपनी को हुआ है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, स्केल ग्रोथ और एक्सपेंसेस भी इसने काफी कम किए हैं, सेल जो है बहुत बेहतरीन हो रही है, तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए अब चार्ट पे बात कर लेते हैं, नंबर पे आपको कहीं पे अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको ये सब दिखा दिया है। देखिए हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कंपनी ने किया है, जब कंपनी के सितंबर में नंबर थे तभी मैंने आपको बताया था, देखिए जो नंबर है धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है और ये रुकने वाली नहीं है, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 38 रुपीज के आसपास प्राइस था, 36 रुपीज के आसपास प्राइस था, और आज देखिए 98 रुपीज और 70 पैसे, एग्जैक्ट वही पॉइंट 98 रुपीज 70 पैसे का जो टारगेट दिया था मैं, वही पे आज की क्लोजिंग है। ये हैराने वाली बात है ट्रेडर्स, और बहुत अच्छी बात है कि शेयर का जो ग्रोथ है वो काफी शानदार आप लोगों को मिल रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा है। चलिए अभी हम लोग चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, जो चार्ट पे है सेम वही, मैंने इसमें अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है। देखेंगे आप इसमें जो कोल्ड वाला आपको 46 रुपीज के पास जो सपोर्ट था वो लाइन अभी तक इस चार्ट में बनी हुई है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं किया, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं हूं। जब मैंने आपको देखिए 70 के पास था अपडेट दिया था, उसके बाद देखिए डायरेक्ट मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी बाइंग आ रखी है, फिलहाल में भी काफी शानदार बाइंग है ही, तो सेलिंग का बस आपको ध्यान रखना है, जिस दिन सेलिंग वाला वॉल्यूम आता है उस दिन थोड़ा सा करेक्शन के मूड इस शेयर में पक्का बनेंगे, तो आप लोग जो थोड़ा घबराएंगे वो प्रॉफिट पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा डाउनफॉल पे बढ़िया है कि आप अच्छे प्राइस पे निकल जाए, या फिर जो बिल्कुल जिनको एकदम श्योर है, क्योंकि मैंने डाटा एकदम आपको बताया, क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं, करेक्शन भले ही आए, यहाँ पे करेक्शन भले ही आए, वापस से शेयर 80 से लेके 90 के अराउंड वापस से आए, बट कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर हैं वो इतने बेहतरीन है कि शेयर वापस से अभी ये रुकने वाला नहीं, ये और ऊपर तक कंपनी पक्का परफॉर्म करेगी और स्लोली स्टेडली जाएगी। ये तो अभी बहुत फास्ट ग्रोथ है ट्रेडर्स, धीरे धीरे ही शेयर बढ़ता है, और हमको तो पता है जो लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, नए जुड़ने वाले में ही थोड़ा धैर्य की कमी रहती है, आप भी लाइए अपने अंदर धैर्य रखिए, और शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत शानदार रिटर्न देगा, बस आपको इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना है, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, बाकी चीजें तो चल ही रही हैं अच्छी खासी। तो अभी क्या अगला टारगेट हो सकता है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, जो अगला टारगेट शेयर में नजर आ रहा है अब वो, क्योंकि आपको 103 तक आज ऑलरेडी शेयर ने क्रॉस किया, 98 रुपीज 70 पैसे पे क्लोजिंग दिया, तो अब नेक्स्ट टारगेट 170 रुपीज 45 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वहां तक का आप लेके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको ध्यान रखना है, फ्रेश एंट्री आपको अब 80 अराउंड ले सकते हैं, वहां पे थोड़ा सेफ जोन नजर आ रहा है, बाकी करेक्शन के विदाउट अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो आप फुली अपने रिस्क पे ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ वो फुली अच्छा परफॉर्म करेगा, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है पर करेक्शन वाले फेज से आपको बचने के लिए आप बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, जब आपको डिप में मिल जाए 80 अराउंड मिल जाए तब आप एंट्री लें, बाकी आपकी मर्जी है, आप फ्रेश एंट्री भी करंट प्राइस पे ले सकते हैं अगर आपका लॉन्ग व्यू है, क्योंकि 117 का टारगेट, फिर उसके बाद जो अबव टारगेट है 130 प्लस टारगेट भी आपको आने वाले टाइम में, मैं जैसे ही अपडेट होगा मैं तुरंत आपको कर दूंगा, फिलहाल 117 रुपीज 45 पैसे वाला नेक्स्ट लेके आप लोगों को चलना है। आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का भी जरूर से ध्यान रखना है, ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इसमें नो डाउट, मैंने आपको अभी क्वार्टरली रिजल्ट शो कर दिया है, तो रिटर्न बहुत शानदार है कंपनी का,
डिविडेंड अभी हाल फिलहाल में दे नहीं रही है और हमको जरूरत नहीं लगता है कि डिविडेंड की भी होगी। आप बताइए कमेंट करके कि आपको अब तक कितना प्रॉफिट इस शेयर में हुआ, क्या वो फिगर जो लोग एकदम डायरेक्ट नहीं बता सकते वो बताएं, 5 में फिगर है, 6 में फिगर है और या 7 और 8 में भी फिगर हो सकते हैं, क्या पता आप लोगों के किसी के हो, अगर 8-7 में भी फिगर है तो वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। ओवरऑल थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसे ही एक्सेस करके शेयर के देता रहूंगा।